इन सारे चिन्हों को पर्व मंगल में अलंकरण के चिन्ह के रूप में चिन्हित किया गया। उन चिन्हों को लेकर के जहां सारा नगर अपूर्व से शोभित होकर के विराजमान है, जहां गोष्ठ अटारी इकबुर्ज चौहारे सोने के कलसा शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, चित्र विचित्र ध्वजा पताका विभिन्न प्रकार के पुष्प युथी जाति मल्लिका माधवी सब खिल रहे हैं, सुंदर बाजार जहाँ आहतिया मुनि गुमास्ता तोला ठक्कर अपने अपने कार्य को करते हुए विराजमान, अलग अलग वर्ग जहाँ पर विराजमान हैं, तेली तमोली गंधी सुनार अतार बजाज दर्जी रंगरेज परचूनिया कोठीबाल पंसारी हलवाई कसेरे ठठेरे जौहरी चौधरी चौकड़ा माली कुम्हार ग्वालिया सब अलग अलग अपने वर्ग में सर्वत्र सर्वत्र विराजमान हैं। सुंदर दुकान जिनमें जाजन दरी गद्दा चांदनी गलीचा दुलीचा गोल तकिया लगे हुए हैं, तोलाए तोल रहे हैं मुनि जहां पर वही भर रहे हैं, जहां पर हिसाब लिखा जा रहा है वही लिखी जा रही है। श्री राम कृष्ण का दर्शन करके व्यापारी गणित भूले, ब्राह्मण संध्या गीता भूले, ग्वालिया गैया भूले, कुल कन्या लाज भूली, पनिहारी जल भूली, मालिन तरकारी भूली, किसान खेती बाड़ी भूले, बराती बरात भूले, समी ब्याह भूले, दूल्हे दुल्हन गौना भूले, अन ब्याही होसन मरी तो ब्याही ले तो हुसवा तो सास, और गौने की भौने रही देख श्याम मृदुहास। श्री श्याम के मृदुहास को देख करके सब मोहित होती हुई उस समय विराजमान है। आपने सुंदर स्वर जहां पर प्रकट हो रहे हैं, सुंदर गांव की सीमा पर जहां अखाड़े लगे हुए हैं, फुलवारी लगी हुई है, वीर हनुमान के बीच में शिव ग्रह मूर्ति विराजमान, लाल ध्वजा का जो छत्र है वो ऊंचा है, अखाड़े कूद रहे हैं, मलखंब गड़ रहे हैं, मुदगर घुमाए जा रहे हैं, मालिश हो रही है, जोर हो रहे हैं, दंड बैठक लगाई जा रही है, भार उठाए जा रहे हैं, दाव पे सिखाए जा रहे हैं, उस्ताद पर्दनी लपेट करके मूल के ऊपर गमछा लपेट करके सोटा हाथ में लेकर के आगे बढ़े, राम कृष्ण को सोटा के ऊपर ही झुक करके दंडवत करते हुए विराजमान, बोले महाराज हमारे अखाड़े का भी निरीक्षण करो जरा पधार। ऐसे आप आनंद पूर्वक अखाड़े का निरीक्षण करते हुए उस समय पधार रहे हैं, जहां पे सारे अस्त्र सजे हुए रखे हुए हैं। श्री भीड़ के ठट जहां लगे हुए हैं, सब मथुरावासी स्त्री जहां जिसको जगह मिली वहां फस फस के बैठी हुई हैं। एक हरमुंडी पीछे से आई, किसी के कंधे को पकड़, किसी की मुंडी पकड़, किसी की गोदी में पांव रख, किसी के आगे पांव रख, सब प्यारी का करे ये तो किसी से बोले नहीं, पकड़ती पीछे से आई, एकदम आखिर आगे पहुंची, जो खंबा उसकी अंगूरा पकड़ करके खंबे के ऊपर चढ़ करके जो कलश उस कलश के ऊपर जाकर के कलश के ऊपर जाकर के नक्षदम में बैठ गई है, राम कृष्ण का दर्शन कर रही है, सब राम कृष्ण की जय, ऐसे आनंद पूर्वक दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आज छाया पिलोचन पथम न जगाम यस्या सेम वधु नगर मध्य मदन करोति, जिसकी छाया भी किसी ने नहीं पाया, आज वो नगर वधु वे नगर की जो कुल वधुगण हैं वे बाजार में धक्का खाती हुई डोल रही हैं। ऐसे आप विराजमान, आप जो मथुरा में प्रवेश किया सगुन हुआ है, सामने से धुले हुए कपड़े लेकर के दर्जी आया, बड़ी ऐंठ में जा रहा, एक तो दर्जी फिर राजा का दर्जी पैसे वाला फिर रंगाई पने का काम भी जाने और फिर रफूगिरी का भी काम जाने, बड़ी ऐंठ में, वही वाली बात, एक तो बदरिया
फिर भांग पी ले, फिर उसके ऊपर बिच्छू खा जाए, फिर उसके ऊपर पुतली चढ़ जाए, तो उसके नाचने का क्या ठिकाना। ये तो बड़े ऐठ में जा रहा था। आप तो इसके सामने आ गए, बोले भैया तेरी पोटली में क्या है। ये बोला कृष्ण ये तुम्हारा ब्रज नहीं, किसी का माट फोड़ किसी के दही को ढोलका, ये है राजा की नगरी। यहाँ पर उद्धम किया राजा पकड़ेगा बांधेगा कट्ठा में ठोक देगा। आप बोले जा रहे जा, ऐसा कहकर कि जो हाथ का इशारा दिया झाला मारा हाथ से सिर काट लिया, सब छोड़ छोड़ करके भागे। भैया भागना भागना, हाथ से सिर काटे, पोटली छोड़ छोड़ करके सब भाग गए। आपके सुंदर सुंदर वस्त्र ग्रहण किए, दर्जी के पास में गए, इसको आपने सारू पे मुक्ति प्रदान की है। आप सुदामा माली के गए, सुदामा माली की उस कृष्ण निष्ठा का क्या वर्णन किया जाए। सेवा निष्ठा, प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मान रहा है, सेवानंद को बढ़ा करके मान रहा है। इसके परिवार के जितने भी लोग वे तो कृष्ण दर्शन करने के लिए पहले भाग गए कि हम भी मेला देखे हैं, मेला देखे हैं। परंतु ये कृष्ण मेरे यहाँ पर आएंगे ये विचार करके माला गूंथने में ही लगा है, एक एक माला। आप इसके पास में आए, इसके हाथ में जो माला गूंथ रहा है उसे बड़ी ललचाई हुई दृष्टि से देख रहे हैं कि हाँ ये माला मिल जाए तो आनंद आ जाए। श्री सुदामा माली पहचान गया है पुष्पों के द्वारा ही श्री कृष्ण का, उसी माला के द्वारा कृष्ण का श्रृंगार किया है, आपने माला धारण की है। इससे पूछा तुझे जो चाहिए वो वरदान मांग ले। इसने वरदान मांगा कि मुझे अचल भक्ति की प्राप्ति हो। बोले और मांग, वरदान मांग। बोले भक्तों में प्रीति हो। बोले और मांग। बोले जीव मात्र में दया। बोले भाई तू नहीं मांगेगा कुछ, हम अपनी तरफ से भी कुछ देते हैं। ये तो दिए ही तीनों वरदान अपनी तरह से, अचल श्री प्रदान की है, संपत्ति प्रदान की है, वंश वृद्धि उनको उनका आशीर्वाद प्रदान किया है। और तो इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रीयं चन्द्रवर्धनी, श्री और अन्वयवर्धनी वंशवर्धनी जो श्री है उसको प्रदान करके आप जो पधारे, इतने में ही आपने परम सुंदरी श्री कुब्जा जी को हाथ में सोने के कटोरा में चंदन लेकर के आते हुए देखा। श्री कुब्जा जो है वो श्री सत्यभामा की भू शक्ति की ही अंश होता है। पृथ्वी का गुण है गंध, गंधवती पृथ्वी होती है, ये भी गंधवती होकर के ही विराजमान है, हाथ में गंध लेकर के ही पढ़ा रही है। ऐसी जो विभूति रूपा पृथ्वी होकर के जैसे प्रसिद्ध, ऐसी इस श्री कुब्जा का जो आपने दर्शन किया, आप कुब्जा के सामने जाकर के खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि विधाता भी अद्भुत जोड़ी मिलाता है। कुब्जा भी नित्य प्रिया ही है, परंतु साधारण रति के अधिकार नहीं है। जहां पर अपना सुख पहले फिर बदले में कृष्ण को सुख दिया जाए ये विचार है, उसका नाम है साधारण रति। आपने साधारण रति के को अधिकारी बनाया है। नाथ सांगा हरे प्राय साक्षात दर्शन संभवा, संभोग इच्छा निदाने रति साधारणी मता। उस साधारण रति के आपने इनको अधिकारी बनाया है। श्री कुब्जा ने आपके श्री मस्तक के ऊपर चंदन लगाया, आपने कहा कि सुन लो मथुरा वासियों, जितने भी टेढ़े उन सबों को सीधा करने वाला मैं अब मथुरा में आ गया हूं। सो रिच्वी कर तुम मनश्चक्रे दर्शन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल दिखाते हुए कुब्जा को आपने रिजु करने का प्रयत्न किया। कुब्ब होने के कारण जिसकी पीठ तो ऊंची थी और जो वक्षोय वे जहां विस्तार को प्राप्त नहीं हो रहे थे उनमें कहीं विस्तार नहीं दिख रहा था, श्री कृष्ण ने जो कुब्जा को छुआ सो ही कुब्जा परम सुंदरी हो गई है। अब बाकी का जो एक्यूपंचर है वो तो केवल दिखाना है, वो कोई
उसकी जरूरत नहीं थी, परंतु जगत को दिखाने के लिए आपने एक चरण के द्वारा कुब्जा के दोनों चरणों को दबाया, एक हाथ कुब्जा की जो चिकित्सा जो आप दिखा रहे हैं वो तो केवल दिखावा मात्र है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुकुंद स्पर्शात सद्यो बहुभव प्रमुदोत्तमा, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं मुकुंद के स्पर्श मात्र से ही ये परम प्रमुदोत्तमा हो गई हैं और उस समय ऋजु हो गई। ऋजु का तात्पर्य है कि यथोचित जो नव युवती उनमें जो अपूर्व से जो श्रीअंग उनमें जो घाट प्रकट होना चाहिए, थल उथल प्राप्त होने चाहिए, उन थल उथलों से युक्त होकर के कुब्जा को परम सुंदर जो युवती स्वरूप है वो युवती स्वरूप प्रदान करते हुए आप विराजमान हुए हैं। कुब्जा श्री कृष्ण के अंचल को पकड़ करके कह रही हैं कि हे वीर आप मेरे घर में पधारो, मैं आपका त्याग नहीं कर सकूंगी। श्री कृष्ण उस समय हंसते हुए कह रहे हैं, सारे सखा प्रयास करने के लिए तैयार हैं। भैया ये कुत्ते ने यहाँ पे भी मथुरा में भी ये छीना झपटी झटका पटकी शुरू कर दी, तो श्री कृष्ण अपनी लज्जा को बचाते हुए अपने संकोच को बचाते हुए जैसे टालने के लिए, हाँ हाँ जी हम आएंगे आएंगे, काल विलंब करना ये विलंब निषेध का ही एक प्रकार है, बलदाव जी पास में है, इसलिए कृष्ण अपने प्रीति को सामने कुब्जा के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसके टालने के लिए कह दिया कि हम तुम्हारे यहाँ पर बाद में आएंगे। सारे सखा उस समय कन्हैया से कह रहे हैं, तो कन्हैया बड़ा अच्छो की हो तेने यार टाल दी, ये तो अच्छे गले पड़ रहे, ऐसा कहकर के आप हंसते हुए विराजमान हुए हैं। कह रहे हैं ऐशान ते ग्राम शुभ्रु पुंसाम आद विकाश्रम, तो तुम्हारा घर जितने भी मनुष्य हैं उनकी आदि को दूर करने वाला है, हम तुम्हारे घर पर आएंगे आएंगे। आप पुरवासियों से पूछते पूछते धनुष स्थल पर गए जहां पर शिव जी के दिव्य धनुष का दर्शन किया है। सारे सखा बोले भैया इतने बड़े धनुष को हमने देखो ना, भारी तो बहुत हो तो। आप बोले अभी देखे कितना भारी है, सारे सखा कह रहे भैया दोनों को तो हो बीस को तो हो। आप बोले अभी तोल के देखे, सारे रक्षक कह रहे हैं बोले ए बालको अन्न में जाना बाड़े के दूर हो कोई चीज में हाथ मत लगाना। आप बोले नमे देख खाली दिखाते को धनुष है ये काम में भी आवे, आपने तो पट भीतर घुस करके उठा लिया आ गए। तो भैया ऐसा भारी तो ना है, हाँ और धनुष अंदर तो थोड़ा भारी होएगो पर ऐसा भारी तो कोई ना है, बोले भैया काम में आवे के ना है, बोले अभी देखें। सो आपने दबा करके जो इसकी प्रत्यंचा इसके ऊपर चढ़ाई से तार देसी धनुष को तोड़ दिया, जो अराटा हुआ सारे सैनिक बोले पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कंस ने भी सेना भेजी, कंस को ये वरदान था जब तक ये धनुष है तब तक तेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। बलदाव जी बोले बोले लाला जी अब क्या करोगे, घर पे निकसे हाथ में छड़ी लेके भी नहीं निकसे और अब सेना आ रही है। आप बोले दादा इस धनुष के दो टुकड़ा काय के लिए किए हैं, एक तुम दो एक मैं देता हूं, और मार मार के जितनी भी सेना आ रही है उसको आपने वही पराजित कर दिया। कृष्ण के सामने किसी की नहीं जाए और वो निकसे वो जाए वो जाए वो जाए, फिर भी भयभीत नहीं, आनंद पूर्वक श्री यमुना जी के किनारे नगर की शोभा का दर्शन करते हुए आप विचरण कर रहे हैं, और विचरण करते हुए फिर धनुष के टुकड़ों को तो कहीं पटका खाई में, और आप आनंद से आकर के अपनी शैया के ऊपर सो गए। नंद बाबा चिंता कर रहे कि संध्या रह गई, बालक अभी तक ना आए, अभी तक नहीं आए, चुपचाप बालक आए। बाबा कह रहे हैं बोले बाबा बेटा इतने चुपचाप कैसे आए,
बाबा के मन में तो डरता हो गया। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बोले नहीं बाबा, सीधे गए सीधे आए, पर कोई सखाने कह दी नहीं। बोले बाबा आज कन्हैया ने इंद्र को धनुष तोड़ दिया, शिव को धनुष तोड़ दिया। बाबा तो एकदम चिंता में पड़ गए, दोनों राम कृष्ण को छाती से लगा करके बाबा कह रहे हैं, बेटा ये तुमने क्या कर दिया, राज की संपत्ति वहां को तुमने तोड़ दियो, जो कंस है वो कहीं हमारे ऊपर क्रोध नहीं करे, अब कैसे होगी। रात भर बाबा को नींद नहीं आई, राम कृष्ण को कोई परवाही नहीं, आप तो तान भक्ता आनंद से दूध भात आरोप करके सोए हैं। बाबा रात भर व्याकुल रहे हैं, यहाँ कंस को कैसे मुंह दिखाऊंगा, कंस कहीं रामकृष्ण के ऊपर मेरे दोनों बालकों के ऊपर कोई चोट नहीं करे, क्योंकि इन्होंने राजकीय संपत्ति का, इतनी बड़ी जो संपत्ति है उसको नष्ट कर दिया। इसलिए बाबा कंस से मुंह छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मन में विचार किया, जल्दी से कंस को वार्षिक का प्रणाम करके और निकल जाएंगे, परंतु कंस ने श्री नंद बाबा को बड़े आदर के साथ में उस समय बुलाया, बाबा को जाना पड़ा, बाबा को जाना नहीं चाह रहे थे, मुंह छिपाना चाह रहे थे भीड़ में, परंतु कंस ने बुलाया नंद बाबा और बड़े आदर के साथ में एक मंच के ऊपर आदर के साथ में बाबा को विराजमान किया। बाबा ले जा रहे हैं, कंस मान श्री नंदराय से कह रहा है, बाबा घबराने की जरूरत नहीं है, अरे ऐसे है तो ठीक है, होता रहता है, बालक हैं, उनका पराक्रम दिखा मुझे तो अच्छा लगा, ऐसे कहकर के बाबा को धैर्य प्रदान किया कर सकते, कहीं ये घबरा नहीं जाए और रामकृष्ण को भगा नहीं दे, कहीं बधे रहे ये भगा नहीं दे, इसलिए नंद बाबा को उनका धैर्य प्रदान करके आदर दे करके विराजमान किया, कोई आप चिंता मत करो आराम से विराज। श्री रामकृष्ण आप मन में विचार कर रहे हैं कि इस कंस को आज दंड देना ही है, तो अथ कृष्णश्च रामश्च कृत शौचौ, परंतु कृत शौचौ का तात्पर्य है कि हमें यादवों के हृदय के मैल को धो ही देना है, उनके हृदय की चिंता को दूर करना है, ये आपने कृत शौचौ पवित्र करने का, उनके चित्त को शुद्ध करने का विचार पहले ही कर लिया, चित्त को निर्मल करने का, चिंता मुक्त करने का, उनको शुचि प्रदान करने का, चिंता से जो मैला हो रहा था उसको चिंता मुक्त करने का विचार श्री राम कृष्ण ने पहले ही कर लिया है। वो आप जान बूझ करके जब रंग सभा में पहुंचे, वहां मंडप के आगे बड़े भारी हाथी को जो झूमते हुए देखा, आप अलकावली बांध करके बोले कि अरे महावर अपने हाथी को सरकारे, नहीं तो अभी तुझे यमधर्म राज के लोक में पहुंचा दूंगा। ये बोला कृष्ण ये तुम्हारा ब्रज नहीं है, जो किसी का माट फोड़ किसी का दही लुढ़का, ये हाथी सरकने वाला नहीं है। आप बोले सरकेगा नहीं तो हम सरकाते हैं, और ये कहकर के पीछे की तरफ जाकर के हाथी की पूंछ पकड़ करके आपने घसीट करके हाथी को पीछे ले गए हैं, और 25 धनुष आपने हाथी को पीछे सरका दिया। हाथी जिस समय घूम करके आया, आप तो दाहिने बाएं हो रहे हैं, पृथ्वी पर गिर गए। हाथी ने जाना कि कृष्ण यही हैं, अपने दोनों दांत खोल दिए, आप तो हट गए, और हाथी के माथे के ऊपर इतनी जोर का मुक्का मारा कि इसे तो बिल्कुल अंधकार छा गया है, दिखना बंद हो गया। आपने हाथी की सूंड लेकर के अपने पास शरीर में लपेटी, जानबूझ करके युद्ध करने के लिए, और युद्ध करके हाथी पीछे जब दौड़ रहा है तो आप जाएं और रुक जाएं, जाएं और रुक जाएं, हाथी गिरते गिरते बचे, कभी तेज चले कभी एकदम रुक जाएं, हाथी रुके तो गिरे, ऐसे आप प्रयास करते हुए जैसे मैं जा रहे हैं सूंड पकड़ करके
आपने जो मरोड़ा दिया हाथी को पट्ट पलट दिया है और हाथी की छाती पर चढ़कर के दांत उखाड़ लिए। पक्के ग्वालियां हैं, ग्वालियां जाने गैया को कैसे उछाली जाए, कैसे बैठाई जाएगी, कैसे कुदाई जाएगी, सारी रीति जाने, पशुओं के सारे स्वभाव को जाने, हाथी को भी कैसे वश में किया जाए इसको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। श्री कृष्ण ने हाथी को भी मार दिया, महावत को भी मार दिया है और कंधे के ऊपर जो आप हाथी दांत को रख करके पधारे, उस समय श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होकर के पधारे हैं। कृष्ण की रूप माधुरी का जो दर्शन किया उस समय सब श्री राम कृष्ण की जय जय जयकार कर रहे हैं। 10 प्रकार के दर्शकों ने 12 प्रकार के रसों का वहां दर्शन किया। इनमें कहीं रस है, कहीं रसाभास है, दोनों प्रकार, और कहीं भाव है। तो रस भाव तदाभास, इन तीनों का आस्वादन प्राप्त करते हुए आप विराजमान। जिनमें कृष्ण के प्रति प्रीति है उनका रस परम परम उत्कर्ष को प्राप्त होकर के रस अवस्था को प्राप्त होता है। तो मल्लानाम अश्विनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, मल्लों में वीर रस का अनुभव हुआ। जितने भी मनुष्य हैं उनमें अद्भुत रस का अनुभव हुआ। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, जो स्त्रीगण हैं उनमें श्रृंगार रस का अनुभव हुआ। गोपों में सक्ष रस और हास्य रस, इनका निरूपण हुआ। दुष्ट राजाओं में रौद्र रस का अनुभव हुआ। माता पिता में वात्सल्य रस का और करुण रस का अनुभव हुआ। कंस में भय का अनुभव हुआ है। योगियों में शांत रस का अनुभव हुआ है। यादवों में सामान्य जो भक्ति रस, उस भक्ति रस का इनमें अनुभव हुआ। इस प्रकार कोई रति वासना युक्त हैं, कोई विपरीत रति वासना वाले हैं, कोई ऐसे हैं जिनमें कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य है और ऐसी स्थिति में रति का अभाव है, कृष्ण प्रेम का सेवा का अभाव है। ऐसे जिनमें अभाव है कृष्ण प्रेम का, उनमें केवल भाव की प्राप्ति हुई। जिनमें विभाव सामग्री में अंतर प्राप्त हो रहा है ऐसे लोगों को रसाभास की प्राप्ति हुई। जिनमें कृष्ण के प्रति प्रीति विराजमान है उनमें रस की प्राप्ति। श्री कृष्ण उनका दर्शन करके कंस वो व्याकुल हो रहा है। मथुरावासी जितनी भी स्त्री वे सब कह रही हैं, हाय हमने राम कृष्ण का दर्शन तो किया, यही जगत के आदि कारण होकर के विराजमान। ऐसे मथुरावासी स्त्रियों में कोई कोई जो ऐश्वर्य ज्ञान को जानने वाली हैं, ऋषियों की पत्नियां, वे गायन करती हुई कह रही हैं कि ये तो भगवत साक्षात हरे नारायण और नारायणास्य ही, ये श्री नारायण हो ही इनके अंश होकर के विराजमान है, ये साक्षात नारायण होकर के ही विराजमान है। ऐसी प्रशंसा जो हो रही है, चारू बोला, बोले कृष्ण मामा जी ने तुमको बड़ाई करने के लिए नहीं बुलाया है, आप मेरे साथ में तुम्हारी कुश्ती हो। आप बोले हमारे बराबर का यदि कोई पहलवान मिले उससे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। चारू कह रहा कृष्ण कैसी बात कर रहा है, अरे तू कोई कम है क्या। आप बोले कहां तुम मल्ल और कहां हम छोटे छोटे से बालक, अरे हैवी वेट से फेदर वेट को मिला है, ये कहां की कुश्ती है। चारू बोला कृष्ण ऐसी बात मत कर, न बालो न किशोर अस्तम बलश्च बल नाम बरा, न बालक है न किशोर है, और बलताओं भी बलवानों में परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान है। जिन्होंने क्रीड़ा क्रीड़ा में ही कुबलिया पीड़ को मार दिया, तुम अपने आप को बालक कहते हो क्या। ऐसे जिसने कहा है श्री कृष्ण ने चारू को मारने का विचार किया है, आपको फेंका बांध करके
खम ठोक करके जो अखाड़े में कूदे उस समय घूम कर धक्का दे करके लिपट करके गिर करके उछल करके पीछे हट करके घेर करके उठा करके उछाल करके संकुचित होकर के सब प्रकार के कुश्ती के जो भेद हैं उनको प्रस्तुत करते हुए आप कुश्ती लड़ रहे हैं। एक दस्ती दो दस्ती रूम दस्ती सब कुश्ती के जो दाव उनको प्रकट करते हुए आप जो क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं, बलवान का निर्बल के साथ में युद्ध होते हुए देख करके सब मथुरा वासी स्त्री कह रही हैं कि आज बड़ा अनर्थ हो रहा है राजा की सभा में, जो कहां बच्चे सार से भी कठोर अंग वाले ये मल और कहां अत्यंत कोमल किशोर ये दोनों रामकृष्ण, आहा वो ब्रजभूमि परम परम धन्य है जहां पर बेणू बजाते हुए विक्रियांचत गिरित रमाच तांगरी ये पैदल श्री शिव रमा भी जिनके चरणों की वंदना करती हैं ये श्री कृष्ण क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं। आहा गोपियों ने ऐसा कौन सा तप किया जो श्री श्याम सुंदर के इस असमोर्ध रूप का वे दर्शन करती हैं। आहा वो ब्रज गोपिका में परम धन्य है जिनकी प्रत्येक चेष्टा कृष्ण लीला से कृष्ण लीला गायन से युक्त होकर के विराजमान है। ये ब्रज संस्कृति ही है जिसने लोक में भी कृष्ण लीला के स्मरण को जोड़ दिया। घर में बालक उत्पन्न हो परंतु बधाई गाई जाएंगे कृष्ण जन्म महोत्सव की, यशोदा में नंदलाल जाए कृष्ण का नहीं है, अपना बालक हमारे बालक हुआ है ये भाव नहीं। ये ब्रज की सारे विश्व को अपूर्व देन भगवान ने उसी समय चारों के हाथ को पकड़ करके भ्रमा करके इसे दे मारा है नीचे। चारों का प्राण उत्सर्ग हो गया है। श्री बल्लाव जी ने एक मुक्का मारा मुष्टिक मर करके धाम मुख से रक्त पटकते हुए गिरा। सारे सखा तो अखाड़े में कूद गए और कह रहे हैं वही दाऊ भैया धन्य धन्य। बल्लाव जी को बंदियों को छाले लपक रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया कन्हैया ने अभी अभी चारों को जो मारा उस दाग का नाम क्या है। बल्लाव जी कह रहे हैं भैया उसका नाम है धोबी पछाड़। बोले भैया कुश्ती बड़ी जोरदार हो रही है, कोई पूछेगा किस पहलवान की किसके साथ में जोड़, एक आध पहलवान का नाम से पूछ लेना। सामने कूट आए, बंदाव जी बोले पहलवान जी आपका नाम। बोले कूट। बंदाव जी ने पकड़ करके वही कूट पीस करके इसकी चटनी बनाई। कूट ने विचार किया कूट की जैसी कुटाई हुई ऐसे तुम्हारी भी पिसाई हो जाएगी, इसलिए शल पोषण ये दोनों के दोनों भक्त बन करके आए। कृष्ण से कह रहे हैं बोले अजी आपके क्या दाव हैं, हम तो आपके शागिर्द बनना चाहें, एक आप दाव सीखना चाहें, ऐसी फुर्ती के दाव तो कहीं चाइना में भी नहीं मिले। से दाव जो दाव है वो तो अद्भुत, हम तो आपके बिल्कुल आपके शागिर्द बनना चाहें, एक आध दाव हम भी सीख लेना चाहें। मन में विचार किया झुककर जाए खम्भ खींच लेंगे छाती के ऊपर चढ़ जाएंगे। श्री कृष्ण ने मारी के चरण की ठोकर से उछाल करके शल को बाहर फेंक दिया है, गई स्टेडियम के बाहर पोषण जो है उसको नीचे डाल करके बीच से चीर दिया। बचे हुए जितने भी मल सब भाग गए कि जिंदा रहे तो कहीं दरवानी करके पेट तो भी पाल लेंगे, कुश्ती लड़ी तो आज ही समाप्त हो जाएंगे। आप तो थे थे करके नाचने लगे। कंस बोला बोले नंद के धन को हरण कर लो, उग्रसेन भले मेरा बाप है तो क्या उसे मार दो, देव की बसले इन दोनों को समाप्त कर लो। आप बोले सुन लो मथुरा वासियों, मामा जी ने ये जो राजाज्ञाएं पारित की हैं हम कभी भी इनको प्रयोग में नहीं आने देंगे, किसी की जवान चले किसी के हाथ, अब हमको दोष मत देना। आपने लगाई जो छलांग कंस के मंच पर पहुंचे, कंस बचना चाहे
आप कंस का आलिंगन करना चाहें, आपके हाथ में कंस की लंबी चोटी आ गई, चोटी पकड़ करके जो कंस को नीचे डाला, त्रिलोकी का भार लेकर के जो कूदे, कंस मारा गया। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय, कंसारे भगवान की जय। कंस का वध हो गया है। कंस की जितनी भी रानी उन सबों के साथ में भी आपने लौकिक किया है, अतः उनको धैर्य प्रदान की है, झूठ मूठ ही रो रहे हैं। आप इन सब रानियों को धैर्य देते हुए विराजमान हुए हैं। सब इन रानियों में कोई कोई जो ज्ञान युक्त रानी थी, वे सत्य का उच्चारण करती हुई बोली कि हे प्यारे, हे कंस, हे पति, तुमने निर्दोषों जीवों के प्रति जो द्वेष किया, उसका ही ये परिणाम हुआ कि तुमको ये दशा की प्राप्ति हुई है। ऐसे धैर्य प्रदान किया है आपने। कंस का संस्कार किया, बलदाव जी ने कंस के जितने भी भाई थे उनको भी मार दिया, कंक प्रवृत्ति उनका भी वध किया है। और आप सबसे पहले माता पिता के पास में, देव की बसदेव के पास में कारागार में गए, और देव की बसदेव उनके चरणों में जो प्रणाम की है, इनको तो ऐश्वर्य ज्ञान हो गया, आपने प्रणाम के, देव की बसदेव भूल गए कि ये ईश्वर है। श्री कृष्ण बात्सल्य रस को प्रकट करने के लिए मधुर वचन कहने लगे, बोले पिताजी, हमको आपके पास में आने में बड़ा विलंब हुआ, जो पुत्र समर्थ होकर के भी पिता की सेवा नहीं करे, वो मरने के बाद में यमलोक में जाता है और उसे अपना शरीर का मांस ही खाने को मिलता है, हमको क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। ऐसे जगत को शिक्षा देते हुए आप फिर नाना जी के पास में आए, उग्रसेन, और उन उग्रसेन से कहा, महाराज, हमारा जन्म हुआ है वृष्टि वंश में और आपका जन्म हुआ है भोज वंश में। हमारे पूर्व पुरुष जो ययाति रहे, उनने छोटे भाई यदु को, बड़े भाई यदु को गद्दी पर नहीं बैठाया, छोटे भाई पुरु को मुख्य गद्दी पर बैठाया, इसलिए राज्य में हम नहीं बैठेंगे, कुल की मर्यादा के अनुसार मुख्य गद्दी के ऊपर आप ही विराजमान हो। ऐसे कहकर के श्री उग्रसेन को आपने राज्य गद्दी के ऊपर विराजमान किया, और चतुश्रोमणि बड़ी चतुराई से अपनी गली से बच करके निकल गए। मन में विचार कर रहे हैं कि अपन यदि यहाँ पर राज्य ग्रहण करने के लिए बैठ जाएंगे तो फंस जाएंगे, अपने को मथुरा रहना ही नहीं है, अपने को लौट करके ब्रज जाना है, इसलिए आपने राज्य स्वीकार नहीं किया है। उग्रसेन को गद्दी के ऊपर विराजमान किया और सब व्यवस्था करके श्री आप नंद बाबा के पास में आए। श्री बलदाव जी उस समय नंद बाबा से बोले, बोले बाबा, मथुरा का काम हो गया, अब अपन चल गए ब्रज। नंद बाबा बड़े चक्कर में, बोले यदि बलदाव कह तो रहा है अपन ब्रज चले, पंत यदि मैं बलदेव को अभी ब्रज ले जाऊं तो बसदेव जी को कहीं बुरा नहीं लगे कि लो जैसे तैसे तो 11-12 वर्ष बाद मेरा बेटा मुझे मिला है, 11.5 वर्ष के बाद में, और ये नंद फिर से कंस बन करके मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जा रहा है। अगर श्री नंद बाबा के हृदय में विचार कि बसदेव जी को इतने दिन के बाद में बलराम मिले हैं, कुछ दिन बसदेव उनके पास में बलराम रहे, पंडित बलदाव जी जिद में आ गए और बोले, बाबा मैं सब जानू, ये कन्हैया बड़ो चालाक है, ये स्वयं तो ब्रज में जाकर के आनंद रस मौज उनको करना चाहे और वो यहाँ खड़ा इनके बीच में मथुरा में छोड़ के जाना चाहे। बाबा मैंने कह दी नहीं है कि मैं ब्रज पहले जाऊंगा, कन्हैया बाद में जाएगा, पक्की बात। नंद बाबा मना कर नहीं सके कि बेटा तुझे ब्रज नहीं ले जाएंगे,
क्योंकि अपने प्रारंभ को कैसे छोड़ के जाए, वो तो बड़ी कठिन से समझा रहे थे। जब बाबा के इस असमंजस की स्थिति को देखा श्री कृष्ण उस समय बोल उठे और कह रहे हैं बोले बाबा ऐसी बात है तो अब एक उपाय मैं बताऊं, तेरी समझ में आ गया। बोले बोल, बोले याद यूयम ब्रजम तात वयम च स्नेह दुखितान ज्ञातिम वो दुष्टमेशान विधाय सर्वदाम सकम। इस श्लोक की इतनी सुंदर टीका श्री जी गोस्वामी ने की है, यही पूरा भाव पूरा संवाद रामकृष्ण इस श्लोक। बाबा आप ब्रज में जाओ या सीरियम ब्रजम तात और हम कुछ दिन तेरे जो सुरजन हैं उनके साथ में रह करके तेरे सुरजनों को आनंद प्रदान करके हमारे कोई नहीं लगते हैं मथुरा वाले, हम तो ब्रज के हैं। विधाय सुरदान सुखम, तेरे जो सुरजन हैं उनको सुख प्रदान करके ज्ञातिम वो दुष्ट में इच्छाम, हम अपने जाति वालों को देखने के लिए पुनः ब्रज में आएंगे। ब्रजवासियों के लिए कृष्ण शब्द कृष्ण ज्ञातीन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और मथुरा वासियों के लिए सुरत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए तेरे सुरत हैं, इनको आनंद दे करके फिर हम अपने जाति वाले निज के जो वंश के हैं उनका दर्शन करने के लिए जल्दी से आएंगे। बाबा बोल बेटा जैसे तुम कहो। श्री कृष्ण ने उसने कहा बाबा ये उचित ही होगा। बसदेव जी आगे तेरे ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकेंगे, जो कह देंगे कि जैसे मैंने अपने बेटे को नंदी के पास में रखा ऐसे क्या मुझे ये अधिकार नहीं है क्या कि मैं नंदी के लाला को अपने पास में रखूं। तो जरा व्यवहार में जैसे उन्होंने किया ऐसे तू कर ले, कुछ दिन के लिए मैं यहां पर रह जाता हूं, ऐसा कहकर के जरा समाधान हो जाएगा। केवल दिखावा मात्र, हमको यहाँ पे रहना नहीं है, हमारा ये स्थान है ही नहीं, हमारा स्थान तो ब्रज ही है। ऐसा कहकर के आपने श्री नंद बाबा उनको ब्रज में विदा किया है, बहुत सारा धन भी दिया। 3 महीने बाद श्री कृष्ण का पुनः यज्ञों का भी संस्कार हुआ है, उसमें सब ब्रजवासी आए। कृष्ण ने हल्ला मचा दिया कि हमको गायत्री मंत्र मिला है, अब हम गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। कन्हैया बोले भैया तू पुरस्चरण करोगे माला जपेगो समय संध्या तक तो हम बैठ के खा यहाँ पे टुकड़ा तोड़ेंगे, हमारे घर में बहुत है खाए भी मिला और उत्सव के बाद में तो फिर भी नहीं रहना चाहिए, पुरानी रीति है कि ब्याह के बाद में तो ब्याह भी भारी पड़ जाए कोई तो लड़की मिला हो ये पीछे तो रहना ही नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण जल्दी से आप अपने श्री नंद बाबा अपने घर लौट गए। जब नंद बाबा लौट गए उस समय श्री कृष्ण आप पधारे हैं अवंतीपुरी, वहां पर काश्यप गोत्री श्री सांदीपनी ऋषि, उन सांदीपनी ऋषि के साथ में आपने विद्या अध्ययन किया, गुरु जी की अपूर्व सेवा करते हुए विराजमान है। आपने 14 विद्याएं पढ़ी, 4 वेद 6 अंग न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र पुराण, ये 14 विद्याएं और उनके साथ में 64 कलाएं आपने पढ़ ली। उन कलाओं की भैया बात करना अद्भुत माने, उसमें कोई भी कला छूटी नहीं है, सारी कलाएं वे श्री कृष्ण जान गए। पशुओं की बोली तक, चिड़ियाओं की बोली तक, शगुन शास्त्र ज्योतिष सब जान गए। आप गुरु जी से बोले, बोले गुरु जी हमारी विद्या पूरी हो गई है, अब हमको आप गोर दक्षिणा के लिए आदेश प्रदान करें। ब्राह्मण की तो आंख खुली तो बोले एक विद्या पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाए उसमें पारंगतता प्राप्त नहीं होती है, 64 दिन में जिसने 64 विद्या पढ़ ली वो तो ईश्वर तो नहीं है। ब्राह्मणी के पास में गए बोले अरे सुनो ईश्वर को चेला बनाया है, गुरु दक्षिणा में क्या मांगू। ब्राह्मणी बोली ईश्वर को, बोले हाँ हाँ। ब्राह्मणी बोले अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, ऐसे आजकल बहुत से भगवान बोल रहे हैं,
लगी हुई है भगवानों की। बोले नहीं नहीं ये तो ईश्वरी मालिक पढ़ते हैं, इतनी बुद्धि तो हमने कहीं देखी नहीं। बोले पता लग जाएगा कि ईश्वर है कि नहीं। हमारा जो बालक समुद्र में तीर्थ यात्रा के लिए हम कभी गए थे और समुद्र में बालक खेल रहा था और एक लहर बालक को बहा करके ले गई, ढूंढने पर भी बालक नहीं मिला। उस मरे हुए बालक को मान लो अभी पता लगता है कि नकली भगवान है या असली भगवान। आप रामकृष्ण दोनों के दोनों उस समय समुद्र के किनारे गए, समुद्र आपकी महिमा को जानते थे। बोले मारे मैंने आपके बालक का हरण नहीं किया है, मेरे भीतर एक शंखा सो है, उसकी बात कह नहीं सकता। श्री कृष्ण समुद्र के भीतर गए और समुद्र में जाकर के आपने शंखासुर का वध किया और इसके पेट को फाड़ करके जब देखें इसके हड्डियों में भी बालक नहीं मिला। आपने इसके पेट से एक महाशंख उसको प्राप्त किया। कृष्ण के हाथ में आते ही वह छोटा सा मुष्टिक ग्राह दक्षिणावर्ती शंख होकर के विराजमान हो गया। आपने उस शंख को ग्रहण किया है और यमधर्मराज के पास में जो गए, यमधर्मराज तो डर गए, बोलिए कृष्ण स्वरूप सारे लोकपालों को दंड देने वाला स्वरूप है। आप कर करके बोले गुरुपुत्र में हानि कर हमारे गुरु के बालक को यहां लाए हो क्या। श्री यमधर्मराज घबराते हुए बोले मैं लाने वाला कौन हूं, निष्कर्म निबंधनम अपने कर्म के बंधन से आया होगा। श्री कृष्ण मानो दिखा रहे हैं कि जहां मेरी कृपा वहां कर्म बंधन भी कार्य नहीं कर सकते हैं, प्रारब्ध की भी निवृत्ति हो जाती है। यमधर्मराज ने बालक को योगी क्यों श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया, वैसा का वैसा बना करके कृष्ण को समर्पित कर दिया। गुरु जी तो प्रसन्न हो गए, बोले बेटा जैसी गुरुदक्षिणा तुमने दी ऐसी गुरुदक्षिणा और कौन देगा, जाओ मैंने तुम्हारे तुमको वेद नहीं पढ़ाए हैं, सारे वेद तुमको उपस्थित हो जाए। श्री कृष्ण लौट करके पधारे हैं। एक दिन आप विराजमान हैं मथुरा के अपने महलों में, पूर्व दिशा की जो खिड़की खोली सोई यमुना जी के पल्ली पार के यमुना बाग के वृक्षों की झुकन झुमन जो देखी आपको तो ब्रज की याद आ गई। सो तब तक आंसू टपकने लगे, हाथ का इशारा किया, कोई सेवक कलम कागज लाकर के रख गया है, आप इस पत्र का लिख रहे हैं। इतने में ही वृष्णि नाम करोड़ो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिशो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्ता। सुखदेव जी तो उद्धव की प्रशंसा में टाइटल के टाइटल दिए जा रहे हैं कि यादवों में सर्वश्रेष्ठ वंश है वृष्णि, वृष्णियों में भी प्रवर श्री देवहाग बसदेव ये है। श्री बसदेव जी के छोटे भाई हैं देवहाग, उन देवहाग के पुत्र का नाम ही है महाभाग, उन महाभाग का ही दूसरा नाम है उद्धव, कृष्ण के चचेरे भाई। और महाभाग शब्द के द्वारा श्री नंद बाबा भी उद्धव को संबोधित करेंगे, तो कश्चिदन्न महाभाव, ये महाभाग संबोधन श्री उद्धव के लिए नंद बाबा के वचन में आया, तो महाभाग ही उद्धव है। तो वृष्णि नाम प्रवर उनमें भी श्री कृष्ण के मंत्री, फिर कृष्ण के दैत माने परम प्यारे और प्यारे होते हुए भी सखा। दैत ऐसे कि प्रातः काल के लिए यदि माँ इनको कलेवा दे तो कृष्ण सेवा में लगे हुए ये उस कलेवा को ग्रहण नहीं करें, कितने दैत है। प्रवर इनकी प्रवरता का क्या वर्णन किया जाए, सखापने का क्या वर्णन किया जाए। श्री कृष्ण के स्वयं के वचन है कि नो धवोन्मपि मम न्यूनम, उद्धव अहम आत्म भी मुझसे न्यून नहीं है। ये तो दैत्यता में दिखाया कृष्ण के प्यारे क्यों है भक्ति के कारण, अब व्यवहार में दिखा रहे हैं कि शिष्यों बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य होकर के भी ये विराजमान है, अर्थात व्यवहार में भी ये कम नहीं है। बृहस्पति जी के शिष्य होने का तात्पर्य है
कि व्यवहार को भी जानते हैं, साथ ही साथ में भागवत धर्म को भी जानते हैं। तो बृहस्पति जी सांकर्षणी जो श्रीमद् भागवत की परंपरा है उसमें बृहस्पति भी विराजमान है। पराशर और बृहस्पति इन दोनों को संकादिक श्री श्रीमद् भागवत की संहिता का श्रवण कराते हैं। तृतीय स्कंध में चतुर्थ स्कंध में जो तृतीय स्कंध में जो वर्णन किया है नारद श्री सांकर्षणी परंपरा, संकर्षण भगवान संकादिकों को संकादिक, पराशर को बृहस्पति जी को, फिर बृहस्पति जी जो है उनके द्वारा वहां पर, फिर उद्धव बृहस्पति के द्वारा उद्धव को वो परंपरा प्राप्त है। तो भागवत धर्म में भी जिनको विराजमान, परंतु श्री कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि जब तक मेरा ये मित्र ब्रज की चक्सार में नहीं जाएगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। हित पांडे दंपति चटा और वृंदावन चक्सार और सुरंग सखी सब सुख नहे विद्या विशद व्यवहार। वृंदावन वो चक्सार है, चक्सार माने विद्यालय, जहां हित पांडे विद्यालय है तो विद्यालय में कोई अध्यापक होना चाहिए। यहाँ पर अध्यापक कौन है, बोले प्रेम ही पांडे। पांडे जी कौन है, बोले प्रेम है। अध्यापक है प्रेम, हित पांडे। फिर विद्यार्थी, मुख्य विद्यार्थी कौन है, बोले दंपति चटा, श्री राधा कृष्ण प्रिया लाल दंपति यही है चटा मन विद्यार्थी। फिर पाठशाला होनी चाहिए, बोले पाठशाला कौन है, बोले वृंदावन चक्सा, वृंदावन की पाठशाला। अब पाठशाला में तो सहपाठी भी होने चाहिए, बोले सुरुद सखी, जितनी भी सखी हैं वे सब सुरुद हैं। पर इस पाठशाला में स्पेशलिटी क्या है, यहाँ के कोर्सेस क्या है, डिसिप्लिन क्या है यहाँ के, बोले डिसिप्लिन को ये बताया जाए यहाँ की कौन सी शिक्षा दी जा रही है। तो विद्या विशद व्यवहार, श्री युवर का जो व्यवहार वो ही यहाँ पर विद्या होकर के विराजमान, उसकी ये वृंदावन अपूर्ण रूप से युगल को भी शिक्षा देते हुए श्री वृंदावन प्रेम हित तत्व प्रेम तत्व वह युगल को भी प्रेम की शिक्षा देते हुए विराजमान। सो जब तक उस पाठशाला में मेरा ये मित्र नहीं पढ़ेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। सो आपने उद्धव से कहा, बोले उद्धव तू ब्रिज में चला जा, मेरी पत्रिका ले जा, मेरी गोपी मेरे वियोग में व्याकुल हो रही है, उनको ये पत्रिका देना। उद्धव बोल मैं पत्रिका की क्या जरूरत है, यूं ही समझा दूंगा, बोलना ना तेरी सामर्थ्य नहीं है यो समझा दे, ये पत्रिका ही ले जा, बिना इसके संतोष नहीं होगा। जहां श्री कृष्ण को स्वयं जाना चाहिए था वहां आप उद्धव को भेज रहे हैं। मन में विचार कर रहे हैं इस समय मैं जा नहीं सकता हूं ब्रिज में, क्योंकि मथुरा के ऊपर जरासंध के आक्रमण होने वाले हैं, यदि मैं ब्रिज चला गया तो जरासंध के आक्रमण यदि ब्रिजवासियों के ऊपर हुए तो वो स्थान सुरक्षित नहीं है। यहां मथुरा का किला दुर्ग वह रक्षा करने में सुरक्षित है, न तो ब्रिजवासियों की तरह रक्षा हो सकेगी न यहां यादवों की रक्षा हो सकेगी, इसलिए अभी मेरा जाना उचित नहीं है। यद्यपि मैं नंद बाबा से कह के आया हूं, ब्रिजवासियों से कि आया से इतनी दौड़ती गई मैं जल्दी आऊंगा तो मुझे जाना चाहिए ब्रिज पर, फिर भी मैं नहीं जा रहा हूं। नंद बाबा बुरा नहीं मानेंगे, मन में विचार कर रहे होंगे तो श्री बसदेव जी ने कन्हैया को स्नेह के कारण आग्रह करके रोक लिया होगा, इसलिए ठीक है कन्हैया रुक गया है आएगा। ये विचार करके श्री बाबा धैर्य धारण करेंगे ये दोनों तक कि बसदेव जी के बहाने बाबा को कहीं समझाया जा सकता है, जरासंध का आक्रमण होने पर ब्रिजवासियों का भी कल्याण नहीं होगा, मथुरा वासियों का भी कल्याण नहीं होगा, फिर स्वयं जाना उचित नहीं है, स्वयं यहां से सरक नहीं सकता हूं, बोले बलदेव को, बोले बलदेव के अकेले जाने से ब्रिजवासियों को संतोष होगा नहीं, वे सबको नहीं समझा सकते क्योंकि मधुर रस का जो परिकर है उसको समझाने में बलदेव को कठिनाई होगी, वे उनसे खुलकर के बात नहीं कर पाएंगी जेठ से,
जेब से कोई बात पूरी की जाती है खुल करके। ऐसी स्थिति में अपने से अभिन्न अपने मित्र उद्धव को ही ब्रज भेजना सर्वथा उचित होगा, ऐसा कहकर के नोद्धवोन्नपनन्यूनम ये विचार करके श्री कृष्ण ने अपने से अभिन्न उद्धव को ब्रज में भेजा है। श्री उद्धव जी रथ में बैठकर के जो ब्रज आए, ब्रज के दो स्वरूप हैं, एक प्रकट वृंदावन एक अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन सदा संयोगात्मक है, अप्रकट लीला, उस अप्रकट लीला के दर्शन किया जहां पर सारे ब्रजवासी श्रृंगार किए हुए आनंद में गीत गाते हुए विराजमान हो रहे हैं। अक्रूर जी ने उस संयोगात्मक वृंदावन का दर्शन करके जो नंद भवन में प्रवेश किया, सो श्री कृष्ण ने अप्रकट वृंदावन के ऊपर तो डाल दिया पर्दा, और प्रकट वृंदावन में जो वियोगात्मक वृंदावन का स्वरूप था उसका दर्शन कर रहे हैं, जहां जाले लटक रहे हैं, बाबा पहले से ज्यादा झुके हुए वृद्ध दिख रहे हैं। श्री उद्धव उद्धव कहकर के बाबा ने उद्धव को कंठ से लगाया, भोजनम परमानंदेनो, बाबा उद्धव के साथ में भोजन करने के लिए बैठे, परंतु एक कौर मुंह में घुस नहीं रहा है, केवल हाथ में कौर लेकर के बैठ जाए, गप्पो गप्पो लड़ा रहे हैं, बातें किए जा रहे हैं, खाया नहीं जा रहा है। उद्धव को आग्रह पूर्वक भोजन कराया, सुखपूर्वक जब विराजमान हुए, उद्धव के ऊपर हाथ फेरते फेरते स्नेह दिखाते हुए कह रहे हैं, अपनी बात कैसे शुरू करें, कह रहे हैं आप स्मरत न कृष्ण है, बोले उद्धव कृष्ण हमारी याद करता है कि नहीं, क्या गोविंद यहां आएंगे, कब उनके मुख का हम दर्शन करेंगे। उद्धव जी बोले, बोले बाबा तुम भी तो घर के भीतर बंद होकर के बैठते हो, जरा घूम फिर आए, बाहर हो आए। बोल बेटा कैसी बात करता है, सर छैल बनोद्देशान, यदि कभी यमुना के किनारे जाएं, गोवर्धन के किनारे जाएं, यदि कहीं उपवन में जाएं, वृंदावन में, तो उनको देख करके मुकुंद पद भूषित उनका दर्शन करके विरह और बढ़ जाता है। बेटा अब कहीं जाने आने की इच्छा नहीं होती, अब तो ये लगता है कि घर में बंद करके के बाद घर के भीतर बैठे रहे। हाय रामकृष्ण का स्मरण करते हैं, हमको तो ये लगता है कि मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्तौ हि सुरोत्तमौ, कोई संकर्षण वासुदेव वे ही हमारे यहाँ पर सुरोत्तम ही हमारे यहाँ पर मेरे पुत्र बन करके कृष्ण बलराम बन करके आ गए हैं, जो नारायण संकर्षण है वे ही मेरे यहाँ पर पुत्र बन करके आ गए हैं, अन्यथा ऐसे अद्भुत अद्भुत कार्य मेरे बेटा ने जो किए वो कोई कर सकता है क्या। उद्धव जी को तो मौका मिल गया, बोलिए बढ़िया मौका है। श्री उद्धव ने नंद बाबा के वचन करके कहा, पकड़ करके कहा, बोले बाबा आपने बिल्कुल ठीक कहा, आहा युवाम श्लाघ्यतम, आप परम परम भाग्यशाली हैं जो श्री नारायण में ऐसी आपकी बुद्धि लगी हुई है। ये रामकृष्ण दोनों के दोनों एतौ विश्वसिच बीजयोनो, ये संपूर्ण विश्व के आदि कारण होकर के विराजमान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये तुम्हारे पुत्र नहीं है, ये तुम्हारे पुत्र हैं, परंतु ये तो बीज योनि जगत के कारण होकर के विराजमान, ये तुम्हारे पुत्र भी वही भाव दिखा रहे हैं जिनने श्री नारायण में किसी भी प्रकार से प्रीति करी, राजमार्ग से प्रीति भी की, उनको फिर किम्बाप सिस्टम युवियों सुकृत्यम, तुम्हारे लिए कौन सा ऐसा कार्य है जो सुकृत्य बाकी रह गया हो। श्री नंद बाबा उस समय कह रहे हैं कि हमको तो ये बता कन्हैया कब आएगा। उद्धव जी कह रहे हैं आगमिष्यति दीर्घेण, कन्हैया जल्दी ही लौट करके आएंगे, आप शोक मत करो, आपके पुत्र होकर के भी आपका त्याग थोड़ी कर सकते हैं, वे तो अंतर्यामी होकर के सबके हृदय में विराजमान है। न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुतादया, अरे परमात्मा के कोई माता पिता थोड़ी होते हैं,
न उनका कोई माता है न पिता न भाग्या, वे तो जहां प्रीति देखते हैं, जो जिस भाव से उनकी प्रीति करता है उस भाव से वे उनके साथ में प्रीति करते हैं। नंद बाबा को बुरा लग रहा है, बेटा जो भी कह रहा है ठीक कहते हैं, परंतु हर कैसे इस बात को भुला दे कि वो हमारा बेटा नहीं है, वो तो हमारा ही बेटा है। तू जैसे उसको जनरलाइज करके साधारणीकृत करके कह रहा है कि वे तो सबके माता हैं, सबके बेटा हैं, सबके पुत्र हैं, क्योंकि वे ब्रह्म हैं, इस तरह से प्रीति करके जो तू सामान्यीकरण कर रहा है वो सामान्यीकरण करने की जरूरत नहीं है। वे तो हमारे वास्तव में पुत्र होकर के ही विराज है। हमें इस बात पर बहस करनी नहीं है कि कृष्ण ईश्वर है कि नहीं, कृष्ण ब्रह्म है कि नहीं, कोई नई बात तो कह नहीं रहा है। मेरे ब्रह्म में तो जो आए वो मेरे बेटा को नारायण कहता हुआ ही आए, वरुण आए वरुण लोक में मैं गया वरुण में यही बात कही, इंद्र आया ब्रह्मा जी आए, जो भी आए वो मेरे बेटा को नारायण कह के कहे, मुझे ये बात नहीं सुननी है, इस बात पर बहस करनी नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म है कि नहीं। मुझे तो एक काम की बात बता दे कि मेरा बेटा कब आएगा, कल आएगा परसों आएगा अतरसों आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे जो कहा सो बाबा की आंखों से तब तक आंसू टपकने लगे। श्री उद्धव जी उस समय बाबा को धैर्य देते हुए कह रहे हैं, बोले बाबा ये आपने कैसे किया, कहा कि वो आपके पास में नहीं आएंगे। अरे जो जगत का ईश्वर है वो कभी अपने भक्तों को कभी दुखी देख ही नहीं सकता है, वे तो आपके पास में ही हैं। दुष्टम शतम भूत भवत भविष्य, जो कुछ भी देख रहा है, देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, बिना अच्युता वस्तु तरंग वाच्यम, उन अच्युत के बिना कोई वस्तु बाकी है ही नहीं, वे सब के भीतर विद्यमान। ऐसा कहते कहते पूरी रात्रि व्यतीत हो गई। श्री नंद बाबा के हृदय में ये बात तो बैठ गई कि कन्हैया मेरी याद करता है, वो सदा मेरा स्मरण करता है, वो अपने प्रियजनों को कभी भूल नहीं सकता है। उद्धव जी कह रहे हैं कि भक्तों को नहीं भूल सकता है, नंद बाबा कह रहे हैं अपने प्रियजनों को कभी नहीं भूल सकता है। इतना अंतर बात एक ही है कि अपने प्रियजनों को, अपने संबंधियों को, प्रेमियों को वो कभी भूल नहीं सकता है। परंतु नंद बाबा के हृदय में ये विचार नहीं आया कि कृष्ण ईश्वर है। प्रातः काल के समय सारी ब्रजांगनागण उठी, दही मंथन कर रही हैं, श्री कृष्ण के मधुर गुणों का गायन करती हुई विराजमान है। इतने में ही श्री उद्धव के रथ को नंद पौर के ऊपर जो खड़ा हुआ देखा, सब चिंता करने लगी, बोले अरे ये रथ किसका है, कहने लगी अक्रूर आगत किम्बा ये कंस से अर्थ साधक का, बोले अक्रूर दोबारा आ गया क्या जो कंस के अर्थ का साधन करने वाला है, अरे अब आकर के करेगा क्या, क्या अपने स्वामी उसके प्रेत कार्य को करने के लिए, तर्पण करने के लिए, हमारे रक्त मांस को के द्वारा तर्पण करने के लिए यहाँ आया है क्या, हमारे प्राणी लेकर के मानेगा क्या। ऐसा कहकर के ये प्रमुदाओं की जो बोली, क्या अब हमारे प्राणी लेगो का, ऐसे प्रमुदाओं की जो बोली है उसको बोलते हुए कह रहे हैं कि किम साधिष्य के अस्माभि भर्तु प्रेतस्य निष्कृति, वो उस अपने प्रेत की निष्कृति को करने के लिए, उसके तर्पण के लिए, क्या हमारे शरीर के द्वारा ही उसका तर्पण करने के लिए यहां आया है क्या। इतने में श्री उद्धव को जो आते हुए देखा, सब गोप कारणों के आनंद का ठिकाना नहीं, विरह की 10 अवस्थाएं, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रबलाद, उन्माद, संज्वर, अपस्मार, मूर्छा और अभिलाषा और मृत्यु, ये सारी दशाएं इनमें उपस्थित हो गई। मृत्यु को चाहना वही मृत्यु दशा है, साक्षात मृत्यु नहीं है रस शास्त्र में।
उद्धव को देख करके कहने लगी कि जान ले मथुरा के जो नए राजा हुए हैं उनके तुम कोई अंतरंग पार्षद हो, शायद स्नेह को त्याग करना कठिन है इसलिए तुमको भेज दिया है। ऐसे जो टेढ़े वचन कहे उद्धव जी ने सबको धैर्य प्रदान किया। उद्धव सबको समझा रहे हैं, सब गोपी उस समय उद्धव के वचनों को स्वीकार नहीं कर रही हैं, यही कह रही है कि ब्रह्म दूत कह दो कृष्ण दूत है पधारे आप धारे मन फेरन को मत ब्रजवारी की कहे रत्नाकर ते प्रीत रीत जाने ना वीणी ही धार आन भावना अनारी की मानो हम काम ब्रह्म एक है कहो जो तुम तो हमें भावे नहीं भावना अनारी की जय है बल बिगड़ ना बाधिता बाधि की बूदता बिलई है बूद विवश विचारी की। ब्रह्म में लीन होकर के बिचारी जीव की जीवता समाप्त हो जाएगी, ब्रह्म का तो कुछ बनेगा नहीं, वो तो पहले से व्यापक है। तो ऐसे आत्मघाती उपाय को काय को बता रहे हो, हमको तो प्रीति की जो रीति है वो प्रीति की रीति बताओ। तुम ब्रह्म के दूत बनकर के आए हो कि कृष्ण के दूत बनकर के आए हो, कृष्ण की बात कहो। अन्यों को श्री उद्धव ने धैर्य प्रदान किया। इन प्रधान श्री विश्वानंदनी निकुंजेश्वरी अपने महलों में विराजमान थी, कुंज में इतने